नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। लगातार हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, सवाल कर रहे हैं डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा के लिए। जानना चाहते हैं लोगों से कि उनका क्या मानना है आज गुरुजी के बारे में। 3 साल होने वाले हैं गुरुजी अब समाज में नहीं है, तो आज लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, बात करते हैं सीधी उन्हीं से। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सुदर्शन इंसा। सर, डेरा सच्चा सौदा के बारे में क्या जानते हैं आप? डेरा सच्चा सौदा 2011 में मैंने नवम्बर में नाम लिया था, तब से मैं लगातार आ रहा हूँ और सेवा कर रहा हूँ, और परिवार भी हमारा आता है और बहुत खुशियाँ मिलती है। तो जो मानवता भलाई कार चल रहे हैं डेरा सच्चा सौदा, बढ़िया, और कोई जगह है नहीं जहाँ पर सेफ्टी हो। एक ऐसा ये गुरु का दर है जहाँ बहुत सेफ्टी है बच्चों के लिए, बहनों के लिए, माताएं, या देखो यहाँ करोड़ों की तादाद में जो साथ संगत आती है, अगर उसकी सेफ्टी नहीं है तो यहाँ पर बहनें, माताएं और बुजुर्ग, आज बेटियाँ आती है वो क्यों आएंगे? बहुत बड़ी सेफ्टी है। और गुरुजी ने जो मानवता भलाई के 132-133 कार्य चलाए हैं, उसमें देखो कितना लोगों को उसका मानवता भलाई जो कार्य चल रहे हैं उसको समाज को कितना बेनिफिट है, कितना फ़ायदा हो रहा है। गुर्दा दान, मरणोपरांत शरीर दान, डॉक्टर को कितना बेनिफिट हो रहा है, फौज को जो लोग खून दान कर रहे हैं उसका कितना बेनिफिट मिल रहा है, और आँखें दान, जो नेत्रदान, जिनके आँखें की रोशनी नहीं, अंधेरा है, उनको पिताजी के लोगों के मरणोपरांत पिताजी के वचनों पर चलते हुए आज लोगों को रोशनी मिल रही है, ये कितनी बड़ी मानवता भलाई कार्य चल रहा है। और गुरुजी को आज समाज की बहुत बड़ी जरूरत है। 3 साल होने वाला है अगस्त में पिताजी को, जब से मान लो सरकार ने इस तरह किया या मीडिया वालों ने ऐसा गलत दिखा के किया है, तो ये बहुत गलत हुआ है। और जब से पिताजी नहीं है देखो कितना ज़्यादा शराब, नशे के प्रति, दूसरा बहन बेटियों के प्रति गलत जो हो रहा है कितना बढ़ता जा रहा है, अब भ्रूण हत्या बढ़ता जा रहा है। और जब पिताजी थे तो उस टाइम क्या है, अभी दारू मांस और ये मांसाहार तो ही छुड़ाते थे, अपने से लेते क्या थे, खाली समाज से तो जो नामदान लेता था उससे यही तो मांग करते थे भी आपने मांसाहार छोड़ना है, बुराई छोड़ना है, यहाँ पर गुरुमंत्र लेके गुरुमंत्र का जाप करना है ताकि आपका परिवार और समाज में भी ये अच्छी स्वच्छता फैलती रहे। साफ संगत जो आती, आम समाज को इसका बहुत फर्क पड़ता था, संगत देख देख के आती थी, तो बाहर की कितनी संगत आती थी जो एक साल के अंदर करोड़ों में पहुंच जाती थी, कितने लाख लोग एक बार भंडारा में कम से कम 20-30-30 लाख लोग नाम लेके जाते थे, तो करोड़ों की तादाद में हर साल संगत बढ़ती थी। तो सरकार को बहुत बड़ा ये था, अभी कहीं ये संगत, कहीं डेरा अपना, कहीं सरकार ना बना ले, ऐसा कुछ नहीं था। तो यही मांग है भी गुरुजी जल्दी जल्दी समाज के बीच, डेरा सच्चा सौदा बीच आए और लोगों को नामदान और गुरुमंत्र दें, और समाज की जो बुराइयां बढ़ती जा रही है उसको कम होए, यही गुरुजी, यही सरकार से मांग है भी जल्दी से जल्दी गुरुजी को जो ये झूठा आरोप लगाया है, अभी ये बुनियाद है, ये झूठा आरोप, सच तो एक दिन सामने आना ही है जी। आपने काफी कुछ बताया सर, जैसे अगर ओवरऑल बात देखी जाए तो 3 साल होने वाले हैं अब वो नहीं है, तो एक्चुअली में अब उनके ना रहने से, सत्संग ना करने से क्या प्रभाव क्या पड़ रहा है लोगों के ऊपर? बहुत प्रभाव पड़ रहा है। अब जो साथ संगत पहले से दिन दुना, पिताजी के वचन थे दिन दुना रात चौगुनी करने, मतलब संगत तो बढ़ रही है, संगत घट नहीं रही है, लेकिन समाज में जो बुराई का मिसाल फैल रहा है वो बहुत ज़्यादा मतलब प्रभावशाली हो रहा है। अगर पिताजी से तो जो आम आदमी जो शराब पीता थे, जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता था वो यहाँ आता था शराब छोड़ के, मांसाहार छोड़ के जाता था, उसके परिवार में खुशियाँ आती थी, अब ना रहने से ये बढ़ती जा रही है जी। क्योंकि सरकार को दारू बेचने का वो मिलता था ज़्यादा, उसमें पैसा मुनाफा होता था, वो चीज़ सरकार का नुकसान हो रहा था, इसलिए सरकार ने ऐसा खड़यंत्र रचा अभी, ताकि ये नहीं रहेंगे तो हमारा ये बिजनेस ज़्यादा बढ़ सकेगा, क्यों 2 नंबर कमाई में उनको आमदन सरकार को ज़्यादा है ना जी। आपका क्या मानना है गुरुजी के आरोप के बारे में? बिल्कुल बुनियाद झूठा है जी, बिल्कुल झूठा है, 100% झूठा है जी। हाँ जी, जैसे आपने एक जो उनके कार्यों के बारे में बताया, और अभी एक और समस्या जो समाज की खास चल रही है, लड़कियों के ऊपर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, उनकी रिस्पेक्ट नौजवानों में, लोगों में कम होती जा रही है लड़कियों के लिए, इसका कारण क्या लगता है सर आपको? इसका कारण आदमी की सहन शक्ति खत्म होती जा रही है। जैसे आज जो जहरीला पदार्थ खा रहा है, चाहे वो खाद स्प्रे या फर्टिलाइजर का यूज हो रहा है, तो उसके अंदर वो सहन शक्ति खत्म हो जा रही है। तो पिताजी यही तो गुरुमंत्र दे के नाम जाप कराते थे भी, ताकि अपने अंदर वो भावना वो रहे कि हमारी अगर बहन है तो बहन के समान है, और बेटी है तो बेटी के समान है, कोई माँ है तो माँ के समान, उसको दर्जा दिया जाए जी। जी, तो अभी आप दुनिया को क्या बताओगे, क्योंकि दुनिया ने जो भी जाना डेरा सच्चा सौदा के बारे में, जब गुरुजी के बारे में जितना भी दिखाया गया लगातार चैनल्स के द्वारा, उसके द्वारा जाना है, आप अपनी वीडियो के द्वारा क्या
बताओगे? मैं वीडियो द्वारा ये बताना चाहता हूँ भी ये 100% जो पिताजी पे आरोप लगाया गया है 100% झूठा है और ये झूठा रहेगा, यानी सच एक दिन कभी ना कभी तो सामने आएगा, ये तो सच तो सामने आने आने हैं। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार ये लोग सरकार से भी अपील कर रहे हैं कि जितने भी आरोप गुरुजी के ऊपर लगाए गए हैं वे सब झूठे हैं और उनको जल्द से जल्द समाज में वापस आना चाहिए, क्योंकि उनके बिना समाज के अंदर बहुत बुरा हाल हो रहा है, नशा बढ़ता जा रहा है, बेटियों के ऊपर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। आज समाज को उनकी सख्त ज़रूरत है। जिस तरह से बता रहे हैं कि उनके ना रहने से किस तरह से समाज का बुरा हाल होता जा रहा है, तो इसे देख कर लगता है कि ये सज़ा है जो वो समाज को मिल रही है। आप लोग खुले दिमाग से जरूर सोचिए और अपनी राय जरूर डालिए कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए द फैक्ट आई और सच का साथ देने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।